नमस्कार, मैं चौधरी एस रमन, स्वागत है आप सबको द बोल्ड एंड लाउड शो में। दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी अपडेशन के संदर्भ में ये हमारे सातवां एपिसोड है। आप लोगों में से किसी ने अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, एनआरसी की एनालिसिस में आज हम खुलासा करने जा रहे हैं बिना कोई भी डॉक्यूमेंट्स के एक खास समुदाय विशेष के लोगों के नाम, जो बेसिकली इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है, उन लोगों का नाम कैसे संघ और देश की शासक दल के इशारों में एनआरसी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, एनआरसी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पे आधारित है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस प्रक्रिया में दो तरह का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, जैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी की डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ए की डॉक्यूमेंट के तौर पे एप्लीकेंट्स को लीगेसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। यहां देख सकते हैं आप, एनआरसी अथॉरिटीज ने कुल 16 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया था, जिसमें से किसी एक में भी अगर आपका या आपके पिता का या आपके दादा का नाम हो तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप लीगेसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिस्ट बी की डॉक्यूमेंट है लिंकेज डॉक्यूमेंट। एनआरसी अथॉरिटीज ने कुल 8 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट में अगर आपका और आपके पिता का नाम लिखा होगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस विषय पर इतने विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम आप लोगों को जो दिखाने वाले हैं उसे देख के आप लोगों का होश उड़ जाएगा और आप लोगों के मन में एनआरसी के प्रति जो विश्वसनीयता है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, एनआरसी अथॉरिटीज ने एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया के लिए समय समय पर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर निकाला था। एनआरसी अथॉरिटीज के द्वारा निकाला गया एसओपी पार्ट 1 के पेज 1 में क्या लिखा हुआ है देखिए। While every document submitted either from list A or list B or Q12 would be verified, high priority would be assigned to authentication of list A documents. उसी पेज के नीचे की पैरा में लिखा हुआ है, final eligibility of inclusion shall be determined only if the results of both field and office verification are positive. Result of office verification will be considered negative if both or either of list A or list B documents is found rejected. इसका मतलब है कि लिस्ट ए या लिस्ट बी के डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेंट्स का नाम एनआरसी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई में एनआरसी अथॉरिटीज ने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया? हम यहां साबित कर देंगे कि एनआरसी अथॉरिटीज ने एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया में कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। दोस्तों, असम के अर्थ मंत्री तथा संघ का एक मोहरा हेमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में एक बयान देकर एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया के प्रति अपना अविश्वसनीयता प्रकाश किया था। उन्होंने ये कहा कि एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया का जो बेसिक मूलभूत उद्देश्य था वो पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर से सटे हुए जिले जैसे हाइलाकंदी, करीमगंज, धुबरी, बरपेटा आदि जिलों में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में से जो रिजल्ट उम्मीद किया जा रहा था ऐसा रिजल्ट नहीं आया। उनका कहने का मतलब यही है कि इन जिलों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और ये संघ मोहरे सोच रहे थे कि इन जिलों में ज्यादातर मुसलमान इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है जो एनआरसी में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाएंगे और उन लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं होगा। लेकिन जब एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब उन संघी मोहरों ने देखा कि 100 में से एवरेज 99% मुसलमानों का नाम एनआरसी में शामिल होगा। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा ने जिस एंगल पे बात किया उस एंगल में ना जाकर उनकी बातों की दूसरी एंगल पे जाकर हम यहाँ आप लोगों को ऐसे ही एक बॉर्डर से सटा हुआ जिला का उदाहरण दिखा रहे हैं जहाँ हिंदू आबादी मुसलमानों से ज्यादा है और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भरे पड़े हुए हैं। जिन लोगों को बचाने के लिए या कह सकते हैं जिन लोगों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए ही मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बंदूक की नाली मुसलमानों की तरफ तक करके मुसलमानों पर इलीगल बांग्लादेशी होने का इल्जाम लगाकर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर काम कुछ अलग चल रहा है। हकीकत क्या है इस संदर्भ में देखिए हमारा इस एनालिसिस को। दोस्तों, हम जिस जिले के बारे में बताने जा रहे हैं उस जिले का नाम है कछार जिला, जो असम के बरागली पार्ट में स्थित एक जिला है। यहाँ हम सिर्फ एक ही जिले के बारे में बताएंगे लेकिन पूरी असम में ऐसा कई और भी जिले हैं जहाँ अगर इम्पार्शियली एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया संपन्न किया जाए तो वहां से निर्वाचित कुछ एमएलए भी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है, ये साबित होने का अंदेशा जताया है असम के सचेतन जनता। दोस्तों, कछार जिले में कुल 5 रेवेन्यू सर्कल है। उन सर्कलों में से हमने हमारे सैंपल सर्वे के लिए सिर्फ 2 सर्कल को चुना था और ये 2 सर्कल है काठीगोड़ा सर्कल और सिलचर सदर रेवेन्यू सर्कल।
इन दो सर्कुलों से हम यहां आप लोगों को सिर्फ 22 एनएसके के हर एक में से सैंपल के तौर पे 5 या 6 आवेदनकारियों के रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देख के आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि एनआरसी के संबंधित हमारे एपिसोड 2 में हमने असम के पूर्व राज्यपाल एस के सिन्हा द्वारा दिया गया रिपोर्ट को साबित करके दिखाने का जो दावा किया था उसमें कितने खरे उतरे हम। दोस्तों, एनआरसी प्रक्रिया का गाइडलाइंस के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया है कि कैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए। अभी हम आपके सामने ये प्रमाण करने जा रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया उन गाइडलाइंस को ताक पे रख के एनआरसी अथॉरिटीज ने एक खास कम्युनिटी के लोगों को फेवर करते हुए बिना किसी डॉक्यूमेंट का परवाह किए लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया है। मतलब एक सोची समझी प्लान के तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को यहां स्थायी रूप से बसाया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले काटीगोरा सर्कल के एनएसके नंबर 1 से। इस एनएसके से हम आप लोगों को 5 एप्लीकेंट्स के रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। जैसे यहां देखिए, इस एप्लीकेशन में कुल 6 लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 3 लोगों ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से 1971 का लीगेसी डाटा जमा किया था और 3 लोगों ने कुछ भी जमा नहीं किया। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन लोगों ने लिस्ट बी में से 4 लोगों ने उनका वोटर आईडी कार्ड जमा किया था, बाकी 2 लोगों में से 1 ने जमा किया जीपी सर्टिफिकेट और दूसरे ने जमा किया एडुकेशनल सर्टिफिकेट। हमारी पड़ताल के मुताबिक एनआरसी अथॉरिटीज ने अपनी इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कार्ड में पहले 3 लोगों द्वारा जमा किया गया 1971 के लीगेसी डाटा को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ इन 3 लोगों द्वारा जमा किया गया लिस्ट बी के डॉक्यूमेंट के वोटर आईडी को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन देखिए, जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब उन 6 लोगों में से पहले 3 लोग जिनका लिस्ट ए और लिस्ट बी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था, उन 3 लोगों का नाम एनआरसी में शामिल हो गया। अब हम आप लोगों को दूसरा एक एप्लीकेशन दिखाते हैं। जैसे यहां देखिए, इस एप्लीकेशन में कुल 12 लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 3 लोगों ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया था और बाकी 9 लोगों ने कुछ भी जमा नहीं किया। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन लोगों ने लिस्ट बी में से ज्यादातर लोगों ने उनका वोटर आई कार्ड जमा किया और बाकी लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट आदि जमा किया। हमारी पड़ताल में यह पता चला कि एनआरसी अथॉरिटीज ने अपनी इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कार्ड में पहले 3 लोगों द्वारा जमा किया गया रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ इन 3 लोगों में से 2 लोगों द्वारा जमा किया गया लिस्ट बी डॉक्यूमेंट के वोटर आई कार्ड को सही पाया गया, लेकिन इनमें से 1 का वोटर आई कार्ड रिजेक्ट हो गया। लेकिन देखिए, जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब उस एप्लीकेशन के 12 लोगों में से सीरियल नंबर 6 और 7 में जो लोग थे जिन्होंने लिस्ट ए में से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया और तो और लिस्ट बी का डॉक्यूमेंट भी जिनका रिजेक्ट हो गया, उन दोनों लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि एनआरसी अथॉरिटीज ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन 12 लोगों में से 2 लोगों का नाम इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया ताकि आगे जाकर इन दोनों के जरिए से बाकी लोगों का नाम भी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो जाए। खैर दोस्तों, आगे कुछ और एप्लीकेंट्स का भी हाल आप लोग खुद देख लीजिए। अभी दोस्तों, उसी सर्कल के और एक एनएसके का कुछ सैंपल आप लोगों को दिखाते हैं। ये है काठीगोड़ा सर्कल के एनएसके नंबर 2। इस एनएसके में यहाँ देखिए, इस एप्लीकेशन में कुल 7 लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 6 एप्लीकेंट ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया था जो एनआरसी अथॉरिटीज ने रिजेक्ट किया और 1 एप्लीकेंट ने कुछ भी जमा नहीं किया। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन 7 लोगों ने वोटर आई कार्ड, जीप सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड आदि जमा किया था जो एनआरसी अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इन लोगों में से 1 भी एप्लीकेंट का फैमिली ट्री मैच सही साबित नहीं हुआ।
फिर भी जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब उस एप्लीकेशन के सातों लोगों का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया। दोस्तों उसी तरह कुछ और एप्लीकेंट्स का भी हाल आप लोग खुद देख लीजिए। अभी देखिए दोस्तों उसी सर्कल के और एक एनएसके का कुछ सैंपल। ये है कटिगोरा सर्कल के एनएसके नंबर 5। इस एनएसके में यहाँ देखिए इस एप्लीकेशन में कुल 4 लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से चारों एप्लीकेंट ने लिस्ट ए डॉक्यूमेंट में से कुछ भी जमा नहीं किया। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन चारों लोगों ने कुछ भी जमा नहीं किया, लेकिन एनआरसी अथॉरिटीज ने इन लोगों का फैमिली ट्री मैच बिना कोई भी डॉक्यूमेंट के ही सही पा लिया। और जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब उस एप्लीकेशन के चारों लोगों का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया। दोस्तों ठीक उसी तरह आगे और भी देखिए और जरा सोचिए किस तरह से एनआरसी अपडेशन हो रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए। अभी देखिए दोस्तों उसी सर्कल के एक और एनएसके का कुछ सैंपल। ये है कटिगोरा सर्कल के एनएसके नंबर 12। इस एनएसके में देखिए कुल 8 लोगों के परिवार ने इस एप्लीकेशन में एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 2 लोगों ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से 1971 का लीगेसी डाटा जमा किया था, जिसको एनआरसी अथॉरिटीज ने वैलिड करार दिया, और बाकी एप्लीकेंट्स ने कुछ भी जमा नहीं किया। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन लोगों में से पहले 2 लोग जिन्होंने 1971 का लीगेसी डाटा जमा किया था, उन 2 लोगों ने कुछ भी जमा नहीं किया। साथ ही सिर्फ एक एप्लीकेंट को छोड़ के बाकी ने भी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, लेकिन एक एप्लीकेंट ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया था जो वैलिड पाया गया, लेकिन इन लोगों का फैमिली ट्री मैच भी वैलिड नहीं पाया गया। पर फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में इन सारे लोगों में से पहले 3 लोगों का नाम आ गया। दोस्तों ठीक उसी तरह आगे देखिए कुछ और एप्लीकेशन का सैंपल।
दोस्तों उसी सर्कल के ही एनएसके नंबर 14 में यहां देखिए, इस एप्लीकेशन में कुल 6 लोगों की परिवार ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 2 एप्लीकेंट ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया था जिसको एनआरसी अथॉरिटीज ने इनवैलिड करार दिया और बाकी एप्लीकेंट्स ने कुछ भी जमा नहीं किया था। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन 6 लोगों में से सीरियल नंबर 2 और 6 ने बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जमा किया था जो इनवैलिड पाया गया और बाकी लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया था वो वैलिड पाया गया, लेकिन इन लोगों में से एक का भी फैमिली ट्री मैच वैलिड नहीं पाया गया, पर फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में इन 6 लोगों में से 5 लोगों का नाम शामिल कर लिया गया। दोस्तों ठीक उसी तरह सैंपल के तौर पे और 2-3 एप्लीकेंट्स का भी हाल आप लोग खुद देख लीजिए। तो इसी काटीगोड़ा सर्कल के ही और एक एनएसके नंबर 16 में यहां देखिए, इस एप्लीकेशन में कुल 4 लोगों के परिवार ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से एक एप्लीकेंट ने लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट में से 1971 का लीगेसी डाटा जमा किया था जिसको एनआरसी अथॉरिटीज ने वैलिड बताया और बाकी 3 एप्लीकेंट्स ने कुछ भी जमा नहीं किया था। दूसरी तरफ लिंकेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इन 4 लोगों में से सीरियल नंबर 2 जिसने 1971 का लीगेसी डाटा जमा किया था उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया था जो इनवैलिड पाया गया और बाकी लोगों ने जो डॉक्यूमेंट जमा किया था वो वैलिड पाया गया, लेकिन इन लोगों में से एक का भी फैमिली ट्री मैच वैलिड नहीं पाया गया, पर फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में देखिए इन 4 लोगों का नाम आ गया। दोस्तों आगे आप लोग खुद देख लीजिए कुछ एप्लीकेंट्स के डिटेल्स। दोस्तों अगर वाकई में एनआरसी अथॉरिटीज एनआरसी की गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करते तो क्या ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में शामिल होते? दोस्तों प्रामाणिक तौर पे तथ्यों के आधार पे हमने आप लोगों को जो भी दिखाया इसके बारे में जरूर सोचिए और अंदाजा लगाइए कि वाकई में एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया सही से हो रहा है क्या। दोस्तों हमारे द्वारा किया गया ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा और इस संदर्भ में आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों ऐसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण को देश के हर लोगों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और पहचान वालों से सब्सक्राइब करके और करवा के ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।